बीजेपी नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की विरोधी है जो भारत के टुकड़े करने की बात कहती है, जो भारत माता को गाली देती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र के बसई गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल माला से पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की विरोधी है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहती है, जो जो भारत माता को गाली देते हैं और भाजपा को मुसलमान विरोधी बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उस कलाम के समर्थक हैं जिसने अपना योगदान राष्ट्र के हित में दिया है। हम उन मुसलमानों के विरोधी हैं जो कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम उस हिंदू के भी विरोधी हैं जो देश को तोड़ने की बात करता है। एक विदेशी महिला आकर देश को लीड करे, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। एक विदेशी महिला आके लीड कर रही है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। हमारा इस बात पे विरोध है उनसे। वो लोग क्यों हिंदू का विरोध करते हैं और हमको कहते हैं कि हम मुसलमान विरोधी हैं? ऐसा नहीं है, हम विचार के विरोधी हैं। वो विचार अगर कन्हैया के अंदर है तो हम कन्हैया का विरोध करते हैं। वो कन्हैया जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम इस विचार के विरोधी हैं, हम कन्हैया के विरोधी हैं, हम कसाव के भी विरोधी हैं, लेकिन हम कलाम के समर्थक हैं जो राष्ट्र बना रहे हैं। हम मुसलमान के विरोधी नहीं, हम उस विचार के विरोधी हैं जो भारत के विरोध की बात करता है। हमने कभी मुसलमान का विरोध नहीं किया। भारत के टुकड़े की बात हिंदू करेगा तो हम उसके भी विरोधी। हम उन सबके विरोधी हैं जो कश्मीर के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारी बहन बेटियों की सर जांघों पर गर्म सलाखों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गोंद देते हैं। हम उस विचार के विरोधी हैं और ये हम बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। खसम को खाओ गीत भैयों के गाओ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।